बैक टू माई न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं सुबह से सोच रही थी कि व्लॉग स्टार्ट करूँ, पर मैं कर नहीं रही थी क्योंकि मैं वेट कर रही थी पुनीत का और गुन्नू का। तो व्लॉग बनाने के लिए वाईफाई थोड़ी चाहिए था। गाइस वाईफाई वाले भैया कल से अब आए हैं, तो अब हमारा वाईफाई लग रहा है फाइनली, और अभी भी चालू नहीं हुआ। तो गाइस मैं वेट कर रही थी पुनीत और अंशु का आने का, पर पुनीत और गुन्नू आए हैं क्योंकि ये मेरी होली देने आए थे। होली का सिंदारा होता है, क्या होता है? चावल चीनी की कोठली। कोठली सिंदारा? सिंदारा तो अलग होता है, चावल चीनी की कोठली होती है। हाँ इसे मेरी होली देने, इन्हें मेरी होली देने आना था, तो मैं इसका इस चीज का वेट कर रही थी। ये मेरी अलमारी भी चेक कर रही है तू? क्योंकि ना मेरा एक लोअर घर में खो गया है, वो यहाँ है तेरे। कैसा लोअर है मुझे बता। मेरा वो लोअर ग्रीन कलर का, और वो मैंने तेरे ब्लॉग में तेरे घर पे देखा। हाँ तो मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ, नीचे पड़ा है, सबसे नीचे वाली कोने वाली लाइन में पड़ा है, इधर वाली कोने की। नहीं इधर वाली कोने की में। हाँ देख पा मैं कितनी तेज है, व्लॉग में देख लिया ना इसने। तो गाइस ये आए हैं मेरा होली का वो लेके। तो चलो मैंने सोचा यही व्लॉग बनाऊंगी आज, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं। मम्मी अभी ढंग से व्लॉग में दिखाने तो दो, पहले ही फल खाने लगे यार आप, धोए भी ना है मम्मी तो। यार गाइस बहुत है, अपना लोअर निकाला आते इसलिए आई हुई है। कैसे मजा आया? मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आज के पहुंचने में। पब्लिक का धक्का ही धक्का, धक्का ही धक्का, धक्का ही धक्का। कैसे होएगी वाईफाई की? वाईफाई की उसको आगे कर, घुमा के आगे। गाइस आज हम वाईफाई वाले भैया को जाने नहीं देंगे जब तक चलाएंगे नहीं हमारा। ये सब लेके आए हैं। मेरा सूट कौन सा है? हाँ मम्मी को बोला था हल्का सा भेजना मेरे लिए, तो मतलब मेरा कम अच्छा है और सासू का ज्यादा अच्छा है। दिखाऊं सही? ये सब आया है टीवी लगा शक्कर चावल में सिंदारा बोलने वाली थी। तो इसमें है ये वाला मम्मी का सूट है ये वाला, और मेरे ये वाला है। हमें बाद में हम बदल भी लेंगे जो हमें जो पसंद आएगा। और ये नोना के कपड़े हैं, लाते ये यही है कपड़े, फिर मैं वापस भेज देती हूँ। इसमें लड्डू के मम्मी खोलना, खोलो आओ। और ये थोड़े फल, रंग, गुंजिया, मिठाई और ये मट्ठी। मट्ठी क्यों लाए हैं? मट्ठी हमारे पड़ी थी, पर हमारे पड़ी थी मट्ठी, खोल दो ना। नहीं इसमें लड्डू के हैं, उसमें अनोना के। हाँ पहले यही वाले खोल लो। वही है जो कल खाई थी। तो गाइस ये तो लड्डू के कपड़े हैं और वो नोना के खोलेंगे हैं। है नोना की है ना पैक। हाँ आप चले जाओ, ये नोना की है गाइस। अच्छी है नोना। गाइस पम्मी गुन्नू से पूछ रही है, ले रही है तुम्हें एकदम काला देख। नहीं सही अच्छे आ रहे हो आप। नहीं नहीं देखना, पम्मी कह रहे हैं बता कोल्ड ड्रिंक पिएगी गुन्नू। पम्मी सोचा गुन्नू मना करता तो मुझे जाना ना पड़े। एक बार वीडियो देख लो। नहीं जी शीशे में देखना ना, शीशे की बात छोड़ो, वीडियो देख लो एक बार ना। अच्छे ही है वो, ठीक है। पम्मी गुन्नू ना आपकी खूबसूरती से जलती है। अभी होली नहीं, होली वाला दिन आई हो, होली वाले दिन आई हो, होली वाले दिन लगाई हो। नहीं हम होली से पहले होली नहीं खेलेंगे अभी। नहीं है मेरे होली के सामान में, आप लोगों को मैंने दिखा दिया जो भी आया है थोड़ा बहुत, वो सब दिखा दिया। और मैंने मम्मी को बस अपना सूट मना करा था, पर मम्मी मानती नहीं। मैंने बोला मम्मी मैं पहनती तो हूँ नहीं, तो आप खामखा क्यों भेज रहे हो? फिर भी मम्मी ने भेज दिया क्योंकि मैं सिलवाती हूँ नहीं, आप लोगों को पता ही है सूट तो। और हमेशा पुनीत और अंशु ही आते हैं मेरा सिंदारा वगैरह सब देने। तो आप लोग बताना आपको सब कैसा लगा। बाकी ये लोग चले जाएंगे ना, फिर मैं बाद में आपको सब चीज खोल खोल के दिखाऊंगी। क्या पापा कुछ खाने को मंगाऊं, पर ये मना कर रहे हैं यार, क्या करूं, कोल्ड ड्रिंक ही पिलानी पड़ रही है। गाइस क्योंकि हमें होली की शॉपिंग पे जाना, मम्मी हमारा वेट कर रही है। यार मैंने एक रील देखी, एक कुछ भी नहीं आया अभी। सुन तो मैंने एक रील देखी, उसमें इतने अच्छे ऑर्गेनिक कलर्स, इतने बढ़िया। उसकी देख ले से बड़े उन्हीं की बता रही हूँ, प्रांजल भैया की देखी है मैंने, बहुत अच्छा सामान है ना। हाँ
मैंने उस पेज को मैसेज भी किया कि फास्ट डिलीवरी अवेलेबल है, उन्होंने सीन ही नहीं करा अभी तक। जा रहे हैं गुन्नू और पुनीत, नोना के कपड़े तो ले ले, नोना के कपड़े ले लेना, वही पहनेगी वो, कौन से यहाँ पहनेगी। और गाइस नहीं पर आ जाएंगे, और ये भेंट मिली है पम्मी, लाओ अपने मेरे को दे दो, बल्कि मेरे ही ले लेंगे ये, अपने तो देने से गए। मम्मी उधर है किचन में, तुम्हें तो इतना दूर भी नहीं आना पड़ता है। आंटी आंटी मम्मी 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 कह रहा था, मुंह से आंटी निकल गई। और रोटी खा लो, रोटी खा लो, लाओ इधर दे दो, लाओ इधर दे दो, ये दोनों ना मेरे भी ले लेंगे। क्या अरे यार मम्मी इनके साथ होली खेल। गाइस मम्मी ने रुक जा, गुन्नू का 200 रुपए दिए थे मम्मी ने, और मम्मी ने भी छीन लिए। मम्मी दे दे, ले ले गुन्नू ले ले, अरे दे दे, अच्छा नहीं लगता दीदी। मम्मी और गुन्नू ऐसे ही खुल जाता है वो, हमारे घर में सारे ऐसे एक दूसरे के पैसे छीन दे मोशियार। गाइस अब मेरा तो आ गया, आज ही जाना है मीनाक्षी दीदी का देने भी, तो मैं और मम्मी जाएंगे नोएडा भी। अभी तो मैंने नाइट सूट पहन रखा, चेंज करके तैयार होंगी फिर। अब हमें नोएडा जाना है, मम्मी सामान ही नहीं ला रही अभी तक। मैंने आपको बताया था कि मेरे बाद फिर हमें नोएडा जाना है दीदी का सिंगार देने, क्योंकि मम्मी कहती तू चली जाइए और बच्चे भी मैं जाती हूँ तो खुश हो ही जाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझसे वैसे तो, और दीदी भी कह रही थी। तो मैंने अब जाने के लिए वाला सूट पहना है, इस पे तो गुजरी लिखा हुआ है, ये इंस्टाग्राम से ही आया था कोलैब में, बट इसका दुपट्टा ना वजीराबाद रह गया, तो मैंने अंशु को बुलाया अब कि मुझे लेने आ जा। और आंटी इतने अच्छे सूट सिलती थी, अभी पता नहीं क्या हो गया, एक दो बार से ना फिटिंग ठीक नहीं बैठ रही, या तो मैं पतली मोटी हो गई, इस हाथ का लूज आ रहा है, बाजू इस हाथ की टाइट आ रही है। तो अंशु आ रहा है, फिर मैं जाऊँगी इसकी चुन्नी लेके आऊँगी वजीराबाद से, ये अच्छा है कि घर इतना पास हो गया अब तो, अब जाके चुन्नी लेके आऊँगी और उसके बाद मेकअप करूँगी, अभी तो कुछ भी नहीं कर रखा, एक लिपस्टिक है बस। तो चलो अब चुन्नी लेके आती हूँ, फिर मिलेंगे। नोएडा के लिए मम्मी सामान रख रही है पीछे दीदी का, सिंदारे का नहीं होली का, गाइस बार बार सिंदारा निकल रहा है। और मेरे साथ पिचकारी जरूर ले जाइए। हाँ, और गाइस मैंने पिंक कलर की चुन्नी भी ले ली, व्हाइट ओढ़ना भी ले लिया, जो चुन्नी नहीं मिली तो इनको ही पहनना पड़ेगा। और वैसे मैं रोज खुद इतनी अच्छी लगती हूँ अपने आप को, जब कहीं जाना होता है तब मैं अच्छी नहीं लगती। हाँ ये तो है गाइस, तो चलो चलते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे बाद में। और लड्डू भी अपने मामा के गया हुआ था, आगे हो रहा दिख रहा है वो खड़ा हुआ, वो कह रहा है कहाँ जा रही है। चलो गाइस चलते हैं। इस सूट की चुन्नी देखने, इतनी प्यारी चुन्नी थी सूट की, उस पर भी हुक्का बना हुआ था पिंक कलर का, व्हाइट कलर की चुन्नी पे, इतना सुंदर चुन्नी थी, पर मिली नहीं, पिंक कलर की चुन्नी थी, हाँ सॉरी, और उस पर धागों से हुक्का बना हुआ था। और इस सूट पे दबंग गुजरी लिखा हुआ, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, पर वो मिली नहीं थी चुन्नी, मम्मी है नहीं, फिर मैंने अपने पुराने सूट की चुन्नी ली है, इस पर चल रही है। मम्मी उन्हें सब घर पे ही नहीं है ना बाबू, होली की शॉपिंग करने गए, आप तो मुझे लेके नहीं गए होली की शॉपिंग कराने। सुबह तो तेरी गैल ही हूँ, कहीं बाहर तो घूमना हो। गैल नहीं हूँ, मेरी गैल नहीं हूँ, गैल ही हो ना, मेरी गैल नहीं हूँ। काम करवा रहा तुझे पता ना। हाँ तो काम करवा रहा था, मेरी गैल नहीं हूँ, मिस्त्री कर रहे थे ना, आपको तो उनके डांट पर चढ़ के बैठ। सामान तो मैं लेकर आ रहा हूँ, सामान मिस्त्री लेकर आ, तो अच्छे वाले मिस्त्री लाओ, वो सामान भी लेके आते। हाँ मेरी गैल नहीं हूँ, ये मत बोलो कि तेरी गैल हूँ, ये बोलो कि बाथरूम का काम करा रहा था। देख रहे हो गाइस ऐसी हरकत है इनकी, इयररिंग्स भी पहनना भूल गई गाइस अपने। थे नोएडा और अब हम रुके हैं यहाँ पे, पम्मी पिचकारी ले रहे हैं जय के लिए, और मुझे तो अच्छी लग रही है, मैं मन कर रहा नोना के लिए भी ले लूँ, पर नोना अभी कहाँ इससे खेल पाएगी है ना, वो अगली तक खेल पाएगी, पर मुझे अच्छी लग रही है, पर क्या करें, ऐसी पिचकारी हैं पीछे टांगने वाली। ले रहे हैं यहाँ से ये बिस्कुट वगैरह, क्योंकि इन्होंने अपनी बहन से पूछा, वो बोल रहे हैं कि मीठा मत लाना, मीठा तो खाते ही रहते हैं, बिस्कुट नमकीन ही लाना, क्योंकि अब मीठा कोई नहीं खाता। और अब मैं गाइस जब नई नई आती थी तो इस दुकान से वाली बिस्कुट आती थी, अभी ये खाऊंगी और जाते हुए लेके भी जाऊंगी, ठीक है, वही चॉकलेट वाली। निकल चुके हैं और मैंने तो भाई अपने लिए मोमोज लिए, मुझे हाथ से भूख लग रही थी, यहाँ मार्केट में भीड़ इतनी है, यहाँ खड़े खा नहीं सकती, तो इसलिए अब हम निकल रहे हैं, पर हमारे पीछे कोई गाड़ी लगा गया, अब वो हटाएंगे, उनके हस्बैंड आके वो बच्चा लेके बैठी है कोई, तब जाएंगे। यहाँ पे भी गाइस देखो होली कितनी बड़ी मार्केट लगी हुई, इतनी मस्त मस्त पिचकारियाँ मिल रही है, मेरा मन कर रही है वाली नोना के लिए लेने का,
नोना नोना तुम्हारी सबकी माँ है, तुम्हें ये पता नहीं है? अभी उस पे खड़ा तो हुआ जाता है। पता है ना कैसे भगे वो खड़े हो गए? वो सबकी माँ है गाइस, एक बार कोई चीज देख लेती है ना उसके पीछे पड़ जाती है। फिर अंशु ने गुब्बारा पानी का मारा था, गुब्बारा लेके ना ऐसे ही फेंका उसने, जैसे अंशु ने फेंका बहुत तेज। इधर आ तो सही, इधर सुन ले पहले, अभी वापिस ले लूंगी पहले इधर। गाइस सबसे पहले पिचकारी लेके भग गया इतनी दूर। दे वापिस, दे दे वापिस। थैंक यू भी नहीं बोला तूने मामा को, मामा को मामा लाए हैं। ऐसे यहाँ से निकाल रहे हैं सामान। वैसे तो ये तैयार नहीं होती, पर इन्हें पता है आ रहे हैं ना इसलिए तैयार हुई होगी, मुझे पता है। गाइस अब सामान निकलने लग रहा है। कौन गया वो भग गया पिचकारी लेके? गया पा दीदी का सामान छुप गए। और अब ब्रीफ में आपको ये लाइव आके खुद दिखा देंगी, क्योंकि व्लॉग तो बनाती नहीं, लाइव आके दिखा देंगी। पूरे दिन लाइव बैठी है, मैं बता दूंगी। जय वाटिन की आईडिया, लाइव देख लेना। हाँ तो आप ऐसे बता रहा ना लाइव आके। तो गाइस इनके व्लॉग तो बनाती नहीं है, पर हाँ लाइव में पूरा दिन बैठी रहती है, तो आप इनके लाइव में देख लेना, सब सामान दिखा देंगी। मैं तो लाइव में बैठी रहती है, तो व्लॉग ही बना लेगा। मैं जा रही हूँ गाइस नीचे रील बनाने, वशु बना देगी मेरी। ये नीचे का पार्क जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पे अभी तो अच्छे से बनानी है ना, अभी थोड़ा ही बनाया। और ये देखो ये जाने के लिए रो रही है, हमारे साथ इसकी मम्मी भेज नहीं थी, फिर रो रही है। देख देख आंसू, देख आंखों में भरे हैं, क्या करें, तेरी मम्मी भेज नहीं रही, हम तो ले जा रहे हैं। गाइस मेरी लड़की बड़ी क्लास में आ गई है, बड़ी क्लास में पढ़ने लगी है, इस कारण मैं नहीं भेज रही इसको। 10 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे गाइस, आज 5 तारीख है। अब दीदी कह रही है 5 दिन के लिए क्या भेजूं, इसलिए नहीं भेजी। देख 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 भी कैसे चलते हैं। ठीक है बाय बाय वशु, वशु बाय, सो रही है। गाइस अब चलते हैं, पता नहीं सर क्यों दुख रहा है ना जी। गाइस अब मेरा ना सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, पर चलो कोई नहीं, अब चलते हैं हम लोग घर। पेस्ट्री की लाई इतनी स्वाद थी ना कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। जो मैंने आपको दिखाई थी ना पहले कि मैं यहाँ पहले खाती थी जब नई नई आती थी, अभी खिलाई इन्होंने, इतनी टेस्टी थी, बस दिखी नहीं ना मुंह में गई, पर स्वाद थी अच्छी थी, है ना। तो कोई बात नहीं, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इतना टेस्ट उसका यम्मी था ना कि मुझे पता ही नहीं है कि कैसा था, इतना ज्यादा यम्मी था। ऐसे काम है इसके, 24-25 तारीख को आएंगे जब खा लेंगे। मैं थोड़ी आऊंगी, फिर आप लेने आओगे ना, तो लेने भी मैं थोड़ी आऊंगी, फिर गाड़ी में पहले और बंदे आएंगे मैं भी आऊंगी। तो गाइज बात ये है कि ये पता मुझे अपने साथ हर जगह क्यों लाते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, कि मैं तो बना नहीं पाऊंगा गाड़ी चलाते चलाते, तो कम से कम मेरा ब्लॉग तो बना लेंगे, है ना। अब मुझे तुम्हारी कहानी समझ आ रही थी, मेरा थोड़ी बन रहा है। नहीं वैसे भी जब कहीं जाते हैं तो आपका तो मैं ही बनाती हूँ ना, इसलिए मैं इसकी कैमरा मैन रख रखी हूँ इसने। और गाइस बता आज गुन्नू मम्मी उन्हें होली की शॉपिंग करने गए थे, इतना अच्छा अच्छा होली का सामान लाया है। अब हम यहाँ से सीधा पहले वजीराबाद जाएंगे, उनका सामान हड़पेंगे, है ना, फिर अपने घर जाएंगे, क्योंकि गुन्नू ने हमें वीडियो कॉल पे दिखा दिया, तो इसलिए अब हम हड़प के जाएंगे उनका सामान, आपको भी दिखाएंगे क्या क्या है। पिल्लू सो रहा है, देखो पिल्लू कैसे सोता है। पिल्लू मैं तो तुझे लेने आई थी आज, मैंने सोचा लेके जाऊंगी, पर पिल्लू सो गया मेरा, मम्मा का पिल्लू। मैं लेने आई थी अभी सो गया। शॉपिंग करके आए हैं गाइस, हम गिलास कितने लेने हैं? गिलास दो ले लो गाइस। हम लोगों ने होली की शॉपिंग ना गुन्नू को बोला था करके लाई हो हमारे लिए, आप निकालो इसमें पानी भरते हैं, और गाइस इसमें कलर निकलता है। अरे मुझे नहीं पता यार, तितली निकाल लो दो चार। क्या बोल रहे गुन्नू का, मुझे देखना गुन्नू तेरे यहाँ पे क्या प्रेस भाई बंदे, तो मैं होली ना बनाऊ, ये तो तुम्हारे अंदर अक्ल होनी चाहिए, मार्केट से लेके आते मेरी बहन का भी। अबे यार आप छोटे हैं होली पे, तू क्या लाई? कोई कुछ नहीं लाई, मैं लेके जाऊंगी, पापा देखो मना करो ना इसको, पता ही से ले जाऊंगी, नहीं ऐसी कर रही हूँ तब भी ऐसे कर रही है। देख रही तेरा मुँह कैसा पड़ा है, तोता सा। नहीं रात को मैं थक गई थी इसलिए मैंने व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं करा, मैं सो गई थी, और अब मैं उठी हूँ 11 बज रहे हैं, घर पे कोई भी नहीं है। मम्मी मुझे कुछ बोल के तो गई थी पर मैं नींद में थी, मुझे याद नहीं है। पिंकी दीदी के यहाँ पे किसी की डेथ हो गई तो वहाँ गए हैं सब लोग, तो मतलब उनके रिलेटिव्स में किसी की, तो चलो ये वाले ब्लॉग कहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाहर चल रहा है बाथरूम का काम, मम्मी के ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा, तो पूरा घर बहुत वैसे तो सिमटा पड़ा है, पर सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाहर तो सारे में काम चल रहा है, और अभी थोड़ी देर में झाड़ू पोछा वाली दीदी आई जाएंगी, तो बाकी तो सब सिमटा ही हुआ है, बस झाड़ू पोछा होना है और बर्तन धुलने हैं, वो दीदी आके करेंगी,
और बाहर चल रहा है बाथरूम का काम, फोन मेरा नया बाथरूम बन जाएगा, फिर मैं बाथरूम टूर ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो चलो ये वाले ब्लॉग का ही एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।